रोपड़ की प्रीत कलोनी दे विच निर्माण अधीन इमारत के ढह ढेरी होने वाले हादसे दे विच जो पांच मजदूर फसे सन जिन्हां विचों एक नूं जेरे इलाज PGI ते तीन की मौत हो चुकी है ते एक मजदूर जिसकी भाल की जा रही थी हुण उसका भी पता लग गया। मजदूर अभिषेक जो इस हादसे दौरान मलबे के हेठां आ गया सी अते उसकी लगातार भाल की जा रही थी हुण उसकी भी मृतक देह नूं मलबे तो बाहर कढ लिया गया। मृतक देह नूं मलबे तो बाहर कढ़न तो पहला तड़कसार उस जगह के उत्तों बदबू आनी शुरू हो गई सी जिस जगह के उत्ते अभिषेक की उम्मीद की जा रही थी कि वह इस जगह के उत्ते फसया होया जिस तो यह गल साफ हो गई सी कि हुण उसके जिउंदे बचण के मौके ना दे बराबर नहीं। इस तो पहला भी जदों मलबे नूं हटाया जा रहा सी तां अभिषेक का बैग और उसका फोन बरामद होया सी। मृतक अभिषेक की लाश नूं लभण लई खोजी कुत्तियां दी भी मदद ली गई अते जिस जगह दे उत्ते निशानदेही की गई सी उस जगह दे उत्ते ही NDR दी टीम वलों लाश नूं कब्जे दे विच लिया गया। हुण तक जेकर गल की जाए तो इस हादसे दौरान पांच व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर सन इस इमारत के ढह ढेरी होने नाल उस दे विच फस गए सन जिन्हां विचों एक व्यक्ति नूं ही बचाया जा सकिया है अते ओह भी जेरे इलाज इस समय PGI दे विच है अते कुल चार व्यक्तियां दी इस सारे घटनाक्रम दौरान मौत हो गई है। पुलिस वालों मकान मालक अते ठेकेदार जिस वालों मकान नूं उच्चा चुकण दा काम किया जा रहा सी उस उत्ते मामला दर्ज कर लिया गया अते इस गल दी भी हुण जांच की जा रही है कि किन्हां कारणां करके यह हादसा होया अते इह जांच भी की जा रही है कि मकान मालक वालों जरूरी मंजूरियां संबंधी विभागां तो लईयां गईयां सन जां नहीं। मेरा लड़का था, क्या नाम था इसका? अभिषेक। कहाँ का रहने वाला था? हरडा जी। कितने बच्चे थे आपके और ये इसको कितने महीने हो गए थे इस काम में जुड़े हुए? यहाँ तो 4 बजे आया था जी। अच्छा, आप क्या मांग क्या कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती गलती तो ठेकेदार की है, बिल्डिंग वालों की है जी। कोई आपका मेडिकल इंश्योरेंस हुआ था अभिषेक का, कोई मेडिकल वगैरह? हमें तो पता नहीं जी। कब लास्ट बारी कब बात हुई थी अभिषेक से आप? मेरी तो जी इसकी 11 बजे बात हुई थी। कितने बच्चे हैं आपके? कितने? सबसे छोटा था, बड़ा था? सबसे छोटा था जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं जी। उम्र कितनी थी इसकी? 22-23 साल। हमने परसों रात को ही हम 4 बॉडी लोकेट कर लिए थे और आज सुबह 3-4 बजे से स्मेल आना शुरू हो गया था। उसके बाद कैनाइन सर्च हुआ, डॉग्स को बुला के सर्च किया गया और डॉग्स ने जिस तरफ इशारा किया, जब जहाँ से पहला विक्टिम निकला हुआ था वहीं लाइव विक्टिम वहीं पर लोकेट हम किए हैं और उसके बाद हमने खुदाई किया, जॉइंट ऑपरेशन चलाया NDRF SDRF ने और देन अभी सक्सेस हो गया और अभी से जो नाम का जो व्यक्ति था उसकी बॉडी हमने निकाला और एम्बुलेंस के हवाले किया गया। कैसे, कितना मुश्किल था इस बॉडी को निकालना, किस हालात में ये बॉडी? नहीं, मुश्किल तो बहुत था क्योंकि देखिए टोटली जो पेनकेक हुआ है पूरा स्लैब नीचे बैठ गया था और इसीलिए इसको सर्च करने में दिक्कत है। सबसे डाउनफॉल में ये बॉडी दबा हुआ था जिसके वजह से डॉग्स की मदद के द्वारा ये संभव हो पाया, अगर डॉग्स नहीं होते तो संभव नहीं था। कितना अंदर कैसे लगता आपको, ये किस जगह पर था, ये भागने की कोशिश हुआ था कैसे? हाँ बिल्कुल, जिस तरफ से ये बॉडी लोकेट हुआ है उसके जस्ट बगल में ही एक क्रॉसवल गेट था बाहर निकलने के लिए। जरूर विक्टिम बाहर निकलने का प्रयास किया लेकिन मलबा गिरने की वजह से निकल नहीं पाया, बॉडी वहीं पर बैठ गई थी। किस हालात में बॉडी फंसी हुई थी? बॉडी बिल्कुल बैठे हुए पोजीशन में ही था, जैसे कि बंदा निकल रहा था और ऊपर से मलबा गिर जाए तो बह जाता है और उस तरह से बैठा हुआ था।